आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आईपी न्यूज़ चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीमच जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी द्वारा सोमवार को प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होकर प्रशासनिक अधिकारियों से मांगी की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लापता नेहा जोशी के सामने आने के बाद अब स्थिति साफ हो गई है, क्योंकि नेहा जोशी के दिए गए बयान के बाद उन चारों आरोपियों को दोषमुक्त करवाने और पिछले 12 महीनों से जो चारों बेगुनाह बंद हुए लोगों के परिजनों ने जो पीड़ा उठाई है उनको मुआवजा देने की मांग को लेकर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी द्वारा सोमवार को प्रेस वार्ता की गई। वहीं अपने बेगुनाह बेटे शाहरुख के जेल जाने के बाद एक लाचार बाप ने भी पत्रकारों के सामने मनासा पुलिस द्वारा परिजनों को बंद करने के आए दिन दबाव और धमकियों के डर से रुपए देने को लेकर भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मनासा टीआई और एएसआई आजाद खान को बर्खास्त करने के प्रशासन से मांग करने की बात कही और क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। इसके द्वारा जो इस पीड़ित परिवार के साथ अन्याय किया गया, उसको शासन भी देखे, अपने जिले से एक मंत्री जी भी हैं और मध्य प्रदेश शासन है पूरा, और शिवराज सिंह जी अपने आप को इस मध्य प्रदेश की जनता के मामा कहते हैं तो भी इनके भांजा भांजी हैं, इनको कंपनसेशन दिलवाएं 12 महीने का, और कोर्ट कचहरियों के अंदर और अहमदाबाद और लाखों रुपए खर्चा कर चुके हैं, और जिन पुलिस अधिकारियों ने गलत इन्वेस्टिगेशन की उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको निलंबित हमें नहीं करवाना, हमें उन्हें बर्खास्त करवाना और उनको सजा होना चाहिए। जिस जावत जेल के अंदर इनके बच्चे रहें उसी जावत जेल के अंदर आजाद खान और केएल दांगी को भी होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं शिवराज सिंह सरकार ऐसा करेगी गलत करने वाले। पैसों की मांग का भी क्या मामला, क्या पहले भी अवगत कराया था, क्या कुछ सच्चाई सामने आई है? एसपी साहब को कितनी बार अवगत करा चुके पैसे का, हर ज्ञापन के अंदर हमने लिखा है पैसों का, इन्होंने शपथ पत्र दिया है पैसों का, और कोई झूठ थोड़ी है। आप गाँव में जाकर तस्दीक कर लो, जिन जिनके पास गिरवे रखी इन्होंने जमीन है। क्या क्या गया, क्या मामला सामने आया पैसों का? पैसे इन्होंने दिए टीआई को और उसको आजाद खान को, इनको फंसाने के लिए नहीं तो इनको भी अंदर डाल देते हैं कि ये भी शामिल है। आपकी अगली कार्रवाई क्या रहेगी? हम पुलिस को ज्ञापन देंगे, ये आ जाएंगे पूरे सब, और ज्ञापन देने के बाद में ये आएंगे ज्ञापन देने, इनके लड़के बाहर आ जाएं पहले, फिर उनसे और वस्तुस्थिति बैठ के पूरी सलाह मशवरा करेंगे, एक माली समाज, एक गाड़ोलिया समाज से भी, इन तीनों लोगों से चर्चा करेंगे, परिवारों से, फिर उसके बाद एसपी को ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद में अगर पुलिस कार्रवाई, हमें उम्मीद है पुलिस ने आज तक एसपी सूरज कुमार वर्मा ने कांस्टेबल को भी उसकी वेतन वृद्धि तक नहीं रोकी है, उनका पुलिसिया प्रेम बहुत ज्यादा है, वो नहीं करेंगे, आखिर हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग करेंगे? ज्ञापन के माध्यम से ही मांग की जाएगी कि उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल में डाला जाए बर्खास्त करके और इनको कंपनसेशन दिया जाए। नाम और पता आपका? गुलाम रसूल पठान, जिला मुस्लिम कमेटी अध्यक्ष नीमच। राकेश जी की लड़की तो उनने जो ये अपने बच्चे कमलनाथ ने फोन करा संदीप के, यार संदीप तुम आज अपन को सवारी लेकर हमारे भाता माता छोड़ दे, तो ये अब शाहरुख ने साथ गए, 1200 रुपये उसने भाड़े के भी दिए, ये उसके बाप के भी बयान है कहा इसने 1200 रुपये भाड़े के दिए, इन्हें भाता माता छोड़ के आ गए, भाता माता छोड़ने के बाद में उस कमलनाथ के नाम की उसने गुमशुदा नाम की रिपोर्ट करी, उसके बाद में फिर उसने इनका नाम बताया, ये भी छोड़ने वाले सहयोगी थे मेरे, इन सहयोगी में फिर इनके ऊपर भी अपहरण का केस लगाया, तो इनको बुला के मारने पीटने लगे, बुला के आजाद खान टीआई साहब कपड़े उतार के मारते छोड़ से अपरा को, तो 15 रोज तक हम रेगुलर ले गए उनको, जब बुलाते जब लेके जाते, फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि अब तुम बता दो ना तुम्हारे ऊपर मटर का केस लगाएंगे, तो फिर बच्चे भग गए, तो हम ढूंढ के लाए उनको अहमदाबाद जाके, ढूंढ के ला के फिर आज पुलिस के भरोसे करे हमने, आपको भी परेशान किया क्या? क्या बहुत जरूरत परेशान किया हमारे से, यूँ कहता कि तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, तुम्हारे घर को गिरा देंगे, हमारे घर से 15 दिन की हमारे बच्चे की डिलीवरी थी, वो रावत बाटा पेशरोड करती, 15 पुलिस वाले गए वहाँ से, हमारे साढ़ू साहब को भी उठा के लाए, ने उस रात को 2 बजे साढ़ू को उठा के लाए जेल में डाले, फिर 40,000 रुपये अलग से ले अंगी ने, फिर बाद में निकाला, फिर शाहरुख के ससुराल गए, उसके ससुर को लाए, 40,000 वहाँ लिया उसने कि हमारे ढूंढने का खर्चा हो रहा है, 1,00,000 ने 40,000 रुपये हमारे से अलग लिए, पहले डर रहे थे हम किसी से कहोगा तो हम तुम्हारे को मारेंगे, ने पैसे किसी को बताना मत, ने फिर हमारे को भी बहुत बुरी तरह से 23 तारीख को शाम को तो 6 बजे 5 बजे करीब सदर साहब के पास आके गए हम, ने बाद में फिर 10 मिनट के लिए बुलाया आजाद खान ने फोन करके, खाली 10 मिनट का काम है, 10 मिनट के लिए आ जाओ, तो हम थाने पे गए ना, बुरी तरह से टीआई साहब ने हमारे साथ मारपीट की, अंधी अंधी ने खूब अनसंट गाली गलौज से पेश आ गए, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे औरतों को ऐसा कर देना, बहुत जैसे उनसे बोलना है बोले अनसंट बोले वो। कितने साल से आपके बेटे जेल में, कितने महीने से? 12 महीने हो गए मेरे बेटे को, ये 19 तारीख आगे ना बराबर 12 महीने हो जाएंगे। क्या लेकर समाज में किस प्रकार का माहौल बना, 12 महीने में क्या रहा समाज में? तो हमें परेशानी करी, समाज में तो हमारे यहाँ आते जाने ही बंद हो गए कि इनका तो काम कारनामा गलत हो गया, अब हमारी तो इज्जत नगरी सब बिगड़ गई है, ना कोई रिश्तेदारी भी नहीं आना पसंद करता हमारे यहाँ, कि अब इनके आगे जाएंगे तो इनके तो लेने गलत है।
नेहा आ गई तो क्या सच्चाई सामने आई? नहीं तो वो बच्चा आए तो जब अपनों को मालूम पड़े सच्चाई आ गई, उसने क्या सच्चाई की? उसने सच्चाई सब बताई थी, बच्चे के सब सच्चाई बताई थी उसने। उसने बच्चे का इज्जत तो ही नहीं लगाई, इज्जत का दावा नहीं लगाया, कुछ भी किया इसने, गलत कारनामा लगा, कुछ नहीं करा उसने। कहा कि तो हमें मेरी मदद के लिए बुलाए थे, मैंने मदद करी न मेरी। पुलिस ने क्या झूठा फंसाया, क्या कुछ? पुलिस ने झूठा फंसाया हमें। अब जो हमारे बच्चे घर जाते हैं, हमारा जो खर्चा लगा वो हमारा खर्चा लेना चाहते हैं। 5 लाख में मैंने खेत गिरवी रखा, वो जो 8 तारीख का खेत गिरवी रखा पैसे देने, 9 तारीख 10 तारीख का फिर इनने केस बनाया आजाद खान ने पैसे लेके। एसपी साहब से मुलाकात हुई थी, क्या बोले? एसपी साहब ने बोला कि मैं कार्रवाई तो करूंगा पर इनपे सख्त कार्रवाई। नीमच से मुश्ताक अली शाह की ये रिपोर्ट। तो ये था आपका अपडेट, लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।